नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े धनशोधन के मामले में वायनाड, कोझिकोड और कोच्चि में 12 स्थानों पर छापे मारे। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। सांगठनिक मुद्दों समेत आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा इस वक्त की जाए। हंगजो एशियन गेम्स में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचल दिया है, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने विधानसभा सेक्रेटरी को पत्र लिखकर शिवसेना उद्धव गट नेता संजय राउत और रामदास दानवे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नागपुर बाढ़ की स्थिति पर ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रतिक्रिया दी है। बावनकुले ने कहा है कि जो लोग मुंबई नहीं संभाल सकते उन्हें नागपुर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कहना है चुनाव आयोग अंतिम निर्णय देगा। तारीखें मिलने के बाद दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग के समक्ष किया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम निर्णय आएगा उसे वे स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिका पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट को नोटिस जारी कर दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों में अपनी अनुपस्थिति को लेकर जारी अटकलों को रविवार को खारिज कर दिया। पवार ने कहा कि उन्होंने शाह के कार्यालय को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया था। मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए इंडिया गठबंधन के दल खासकर कांग्रेस अक्सर गौतम अडानी का नाम लेकर हमलावर रहती हैं, मगर इस बार उल्टा हुआ है। बीजेपी शरद पवार और गौतम अडानी के संबंधों को लेकर विपक्षी गठबंधन और राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक 130 पेज की रिपोर्ट सबमिट की है। एनडीआरएफ ने जोशीमठ पर धसने के संकट के बाद पीडीएनए रिपोर्ट यानी पोस्ट डिजास्टर रिस्क असेसमेंट में लिखा है कि जोशीमठ को अब नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी नेता रविन्द्र चव्हाण ने कहा है कि कल्याण के मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे अगले चुनाव में इसी सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और वे यकीनन विजयी होंगे। नागपुर में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस दौरान मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बीते दिन उदयपुर में रॉयल वेडिंग की। एक्ट्रेस ने अब अपनी शादी की पहली तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर फैंस के लिए शेयर कर दी हैं। विक्की कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली और शिल्पा शेट्टी की सुखी बॉक्स ऑफिस पर खुश हो गई हैं। दोनों फिल्में रविवार को भी खास कमाई नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने भी अपने आवास पर गणपति बाप्पा का वेलकम किया। इस दौरान सलमान और शाहरुख खान सहित तमाम सेलिब्रिटीज भी गणपति दर्शन के लिए सीएम आवास पर पहुंचे थे। सनी देओल की गदर 2 अब साल 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। गदर 2 रिलीज के 45 दिनों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर वनडे मैच के दौरान एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने विकेट के मामले में कुंबली को पीछे छोड़ दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 27 सितंबर बुधवार को राजकोट में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भी बिल्कुल एक तरफा अंदाज में 99 रन के भारी भरकम अंतर से हरा दिया, उसके साथ ही सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।